नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर श्रुतिशा और मैं एक पीडियाट्रिक ओटी हूँ। आज हम बात करेंगे AAC के बारे में, यानी कि अल्टरनेटिव एंड ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन। ये दो प्रकार है। इसमें अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन यानी कि उन बच्चों में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना जिनमें बिल्कुल स्पीच प्रेजेंट नहीं है, और ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन का मीनिंग है जिनमें थोड़ी बहुत स्पीच है पर वे स्पीच को कोई कंजक्शन या वर्ब के एब्सेंस की वजह से उसे मीनिंगफुल स्पीच में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। तो इन बच्चों में यूज करने वाला कम्युनिकेशन को हम ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन बोलेंगे। तो आइए जानते हैं AAC के बारे में। सबसे पहले जो माँ बाप का क्वेश्चन रहता है कि कब बच्चे में AAC की शुरुआत होनी चाहिए, तो इसके लिए थोड़े बहुत क्राइटेरिया है। पहला है कि अगर आपका बच्चा ऑलरेडी 2 साल का है और फिर भी उसमें बिल्कुल स्पीच प्रेजेंट नहीं है, वो सिर्फ जेस्चर से या रो के समझा रहा है कि उसे क्या चाहिए, तो इसमें AAC की नीड है। दूसरा है अगर बच्चा बात कर रहा है पर वो बात कोई समझ नहीं पा रहा है और बच्चा 3 साल का हो चुका है। ऐसा कहा जाता है कि 3 साल तक के बच्चे में 75% स्पीच कोई भी अनजान व्यक्ति भी समझ पाता है। तो अगर कोई अनजान व्यक्ति आपके बच्चे की स्पीच को नहीं समझ पा रहा है और बच्चा ऑलरेडी 3-3.5 साल का हो गया है, तो ये टाइम है AAC की शुरुआत करने का। तीसरा है कि बच्चा बोल रहा है पर इसमें वो सिर्फ नाउन यूज कर रहा है और सेंटेंस को जोड़ने वाले कंजक्शंस या जो वर्ब बोलते हैं वो मिसिंग है, तो हम बच्चे में AAC की शुरुआत करेंगे। और हालांकि ये बच्चा प्री स्कूल में पहुंच गया है, यानी कि बच्चा ऑलरेडी 4 साल का है, फिर भी मेन वर्ड्स ही बोल रहा है और बीच में कंजक्शंस मिसिंग है, तो इन बच्चों में भी ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन का यूज होता है। इसके अलावा अगर आप कोई बच्चे के माता पिता है जिनमें ऐसा लग रहा है कि आपके बच्चे में स्पीच प्रेजेंट नहीं है और आपको उसे कोई एड देने की जरूरत है जिससे वो अपने आप को समझा पाए, तो वो AAC का इंडिकेशन है। तो AAC का इस्तेमाल कब करेंगे? जब आपके बच्चे में कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, बच्चा ऑटिस्टिक है या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे है, डाउन सिंड्रोम है, एफेजिया, एप्रैक्सिया, इन सारे केस में आप AAC का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई अडल्ट है जिसको स्ट्रोक के बाद स्पीच में प्रॉब्लम है या कोई ब्रेन इंजरी के बाद उसकी स्पीच चली गई है, तो इनमें भी AAC का इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स जिसकी वजह से बच्चे में स्पीच का प्रॉब्लम है या बड़ों में स्पीच का प्रॉब्लम है, इन सभी केस में हम AAC का इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली AAC की 2 मेथड्स है, एक है नॉन एडेड और दूसरा है एडेड। अब नॉन एडेड यानी कि जिसमें कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता है, जो पुरानी साइन लैंग्वेज है या जेस्चर से समझाना है, या बच्चा अगर अपने हैंड का या फेशियल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके अपने आप को एक्सप्रेस करता है, तो इसे नॉन एडेड AAC बोलेंगे। एडेड AAC के भी 2 प्रकार हैं, जिसमें एक होता है लो टेक और एक होता है हाई टेक। लो टेक यानी कि बच्चे की पिक्चर बुक्स या किताबें या कोई आप उसको फ्लैश कार्ड दे, इससे अगर बच्चा अपनी नीड समझा रहा है तो इसे लो टेक AAC बोलेंगे। इसके अलावा हाई टेक AAC में टैबलेट्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, जो बच्चा यूजुअली सॉफ्टवेयर बेस्ड अगर स्पीच करे तो उसे हाईटेक AAC बोलेंगे। ऐसा माना जाता है कि स्पीच सबका अधिकार है, इसीलिए इसे बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर आपके बच्चे में कोई भी क्राइटेरिया ऐसा लग रहा है कि उसे AAC इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल इंतज़ार ना कीजिए और तुरंत ही इसे स्टार्ट कीजिए, क्योंकि स्पीच कम होने के या स्पीच ना होने के बहुत सारे बिहेवियरल इश्यूज हमने देखे हैं, जिसमें एक है एंगर, दूसरा है बच्चे में फ्रस्ट्रेशन होना, टेंट्रम्स होना, लो सेल्फ एस्टीम होना। लैक ऑफ स्पीच की वजह से बच्चा दूसरों बच्चों के साथ बॉन्ड नहीं बना पाता है, बेसिकली उसकी पूरी सोशल लाइफ हिंडर हो जाती है, और ये उसके आगे जाके उसके टीन एज में या उसके मैच्योरिटी में भी बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। इस वजह से अगर आपको बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है कि बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो आप तुरंत AAC का उपयोग कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।